हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्लीट एस्टीमेट क्या होता है, कंप्लीट एस्टीमेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन कौन से वर्क के कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है। इन सभी को हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कंप्लीट एस्टीमेट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्लीट एस्टीमेट होता क्या है। तो जो कंप्लीट एस्टीमेट होता है वो डिटेल एस्टीमेट का एक टाइप है, और जो डिटेल एस्टीमेट होता है उसके कितने टाइप होते हैं उसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट एस्टीमेट को हम एक सेपरेट वीडियो को जरूर समझेंगे। तो जो कंप्लीट एस्टीमेट होता है वो डिटेल एस्टीमेट का एक टाइप होता है। इस कंप्लीट एस्टीमेट को बनाने के लिए उन सभी वर्क का कॉस्ट इसमें इंक्लूड किया जाता है, लैंड को परचेस करने से लेके जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बनाने की फिनिशिंग तक जो इतना कॉस्ट लगेगा, उन सभी कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जो हम लैंड परचेस करेंगे उससे लेके जो हम बिल्डिंग बना के उसको फिनिश करेंगे, इन दोनों वर्क के बीच में जितने भी वर्क्स आएंगे उन सभी वर्क्स का कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इन सभी टोटल वर्क्स के कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट बनता है, इस टाइप के एस्टीमेट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एस्टीमेट। और जो कंप्लीट एस्टीमेट होता है वो डिटेल एस्टीमेट का एक टाइप है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कंप्लीट एस्टीमेट क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जब भी एस्टीमेट तैयार किया जाता है, जो एस्टीमेट है वो इसीलिए तैयार करते हैं जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे, इन्हीं चीज़ों को लेकर एस्टीमेट तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आपको पूरा कंप्लीट एस्टीमेट बनाना है तो उसमें आपको जो लैंड परचेस करोगे, जो जगह आप परचेस करोगे उसको परचेस करने से लेके जो आप स्ट्रक्चर बना के तैयार करोगे और इन दोनों के बीच में जितने भी वर्क आएंगे या जितनी भी प्रोसेस आएगी उन सभी का कॉस्ट निकाल के टोटल कॉस्ट निकाला जाता है, और इस टाइप के एस्टीमेट को बोलते हैं हम कंप्लीट एस्टीमेट। तो इसके अंदर कौन कौन से कॉस्ट आएंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एक्सेट्रा, जितने भी हमारे वर्क आएंगे उन सभी का कॉस्ट इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो जो कंप्लीट एस्टीमेट होता है उसे तैयार करने की क्या प्रोसेस होती है उसे हम समझ लेते हैं अभी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ लैंड कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जमीन परचेस करोगे तो उसका कॉस्ट आएगा। तो उस कॉस्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे वर्क देखने मिलेंगे, फर्स्ट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। जो जमीन परचेस करने का कॉस्ट आएगा वो आ गया फर्स्ट और एक्चुअल कॉस्ट। सेकेंड आएगा टैक्सेस ऑफ लैंड, जो हमने लैंड परचेस किया उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होंगे उसका कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, आप स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो सर्वेइंग करोगे लेवल में लाने के लिए, लेवल चेक करने के लिए, वो सभी आप जो सर्वेइंग वहाँ पे करोगे वो सर्वेइंग का कॉस्ट। और नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन डीड्स, टाइटल ऑफ लैंड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स, जो हम वहाँ पे एग्जामिनेशन वर्क करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उस लैंड पे जो सॉइल अवेलेबल है उसकी अगर हमें बियरिंग कैपेसिटी चेक करानी है, उसका जो एग्जामिनेशन कराना है, उसके लिए जो कॉस्ट लगेगा उन सभी का कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, जब जाके हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से कॉस्ट आ रहा है, फर्स्ट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, टैक्सेस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन डीड्स, टाइटल ऑफ लैंड एंड एक्सक्यूशन ऑफ डीड। तो इन सभी कॉस्ट को मिला के बनता है हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड। अब इसके बाद हमें किसका कॉस्ट इसमें इंक्लूड करना है, कॉस्ट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड बिटवीन ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। तो जो ओनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर से जो बात करेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन दोनों के बीच में जो लीगल वर्क होगा उसका भी कुछ कॉस्ट लगेगा, तो उस कॉस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंप्लीट एस्टीमेट के अंदर। नेक्स्ट कॉस्ट किसका इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट और मटेरियल, लेबर एंड सुपरविजन। तो जिस कॉन्ट्रैक्टर से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो जो मटेरियल प्रोवाइड करेगा, लेबर प्रोवाइड करेगा, सुपरविजन प्रोवाइड करेगा, उसका भी कॉस्ट लगेगा, उसके चार्जेस भी हमें देने पड़ेंगे। अगर हम मटेरियल अलग से परचेस कर रहे तो उसका चार्जेस भी हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर विद मटेरियल लिया है तो उसका चार्जेस, और विदाउट मटेरियल लिया है उसका भी चार्जेस आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। जिस कंडीशन में आप वर्क कराना चाहो उस कंडीशन का कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो ये 3 स्टेप्स हो गए कंप्लीट एस्टीमेट को बनाने की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5% कंटिजेंसीज, इसका कॉस्ट भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट कौन सा आएगा, इंजीनियरिंग फीस। तो जब हम इंजीनियर हायर करेंगे हमारे वर्क कराने के लिए उसकी भी फीस आपको देनी पड़ेगी और उसका कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो जो आप इंजीनियर हायर करोगे वो कौन कौन सा वर्क करेगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान, आपको प्लान बना के देगा, डीएन बना के देगा, एंड जो एस्टीमेट बनाएगा उसका कॉस्ट, एंड द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ वर्क, जो उसका सुपरविजन का वर्क रहेगा उसका भी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे इंजीनियर के लिए भी आपको दो टाइप के कॉस्ट देखने मिल रहे हैं, एक सुपरविजन वर्क का और एक कौन सा, प्लानिंग डिजाइनिंग और एस्टीमेशन का। तो इसका कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करना है इंजीनियरिंग फीस के अंदर। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में किसका कॉस्ट इंक्लूड करना है, परमिट फीस फॉर वाटर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो जब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करोगे तो उस जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की नीड तो पड़ेगी, तो आप वहाँ पे जो वाटर प्रोवाइड करोगे या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उसका भी आपको अलग से चार्ज लगेगा, उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा और उसका चार्ज भी इस एस्टीमेट के अंदर इंक्लूड होगा। अब इसके बाद हमें किसका कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, मिसेलेनियस आइटम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ओनर विथ हिज पार्टी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा और जो मिसेलेनियस आइटम रहेंगे उनका जो कॉस्ट आएगा उसका कॉस्ट भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो इन सभी कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद जो हमारा एस्टीमेट बनता है उस टाइप के एस्टीमेट को बोलते हैं हम कंप्लीट एस्टीमेट, क्योंकि जो एस्टीमेट बन रहा है उसमें पूरा कंप्लीट कॉस्ट आ रहा है, जिसमें हम लैंड परचेस कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है और जो स्ट्रक्चर बनाने के अंदर जितने भी वर्क आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करना, उस कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में लीगल एक्सपेंसिव, जो हमने इंजीनियर हायर किया है उसका कॉस्ट, जो कंटिजेंसीज आ रहा है, जो वर्क करने के लिए जो लेबर्स आएंगे, मटेरियल्स आएंगे उसका कॉस्ट, जो हमने वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की उसका कॉस्ट, और जो हमारे मिसेलेनियस आइटम और जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। और इसमें जो एस्टीमेट बनेगा उस एस्टीमेट को हम बोलेंगे कंप्लीट एस्टीमेट।
और जो कंप्लीट एस्टिमेट होता है वो डिटेल एस्टिमेट का एक टाइप होता है। तो कंप्लीट एस्टिमेट के जितने भी स्टेप्स रहती है उनको और अच्छे से और इजीली समझने के लिए उसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंप्लीट एस्टिमेट के अंदर कौन कौन से स्टेप होती है। तो कंप्लीट एस्टिमेट सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड भी आपको फोर टाइप्स इंक्लूड करना है, फर्स्ट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, टैक्सेस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स, टाइटल ऑफ लैंड एंड एजुकेशन ऑफ डीड। नेक्स्ट कौन सा था, कॉस्ट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड बिटवीन ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट और मटेरियल, लेबर एंड सुपरविजन। उसके बाद 5% कंटिजेंसीज, फिर नेक्स्ट इंजीनियरिंग फीस, उसके अंदर भी आपको टू स्टेज देखने मिली, कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान डिजाइन एंड एस्टिमेट एंड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ वर्क। उसके बाद परमिट फीस फॉर वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, और सबसे आखिरी में कौन सा था, मिसेलेनियस आइटम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ओनर विथ हिज पार्टी। तो ये सभी कॉस्ट मिला के हमारा बनता है कंप्लीट एस्टिमेट। तो इस टाइप के एस्टिमेट को हम बोलते हैं कंप्लीट एस्टिमेट, जो कि हमारा डिटेल एस्टिमेट का टाइप है। इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स हमारे डिटेल एस्टिमेट के, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट, और कौन सा था, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो ये सभी टाइप्स हमारे डिटेल एस्टिमेट के। और कंप्लीट एस्टिमेट क्या होता है, उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और जब हम कंप्लीट एस्टिमेट बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दिया। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।